अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया। बिल में चीन के बढ़ते असरों रसूख से निमटने के लिए भारत की मदद का वादा रिपब्लिकन सेनेटर की जानिब से पेश किए गए बिल में अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़ भी दे दी गई। कराची के बेशतर इलाकों में कल सुबह 5 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। घरेलू और सनअती सार्फिन को सोमवार की सुबह 5 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। रास्तों की बंदिश, पुलिस की भारी नफरी और पकड़ धकड़। जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना इस्लामाबाद का रेड जोन नो गो एरिया में तब्दील हो गया। पुलिस ने कंटेनर खड़े करके डी चौक सील कर दिया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते ब्लॉक, डी चौक, सरीना चौक, नादरा चौक और मार्गला रोड बंद। पुलिस ने फैजाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुजाकरात की पेशकश। वजीर इत्तला'आत अता तारड़ कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान से मुजाकरात करने को तैयार हैं। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाजत दी गई। इजाजत के बावजूद इस्लामाबाद पेशकदमी समझ नहीं आई। हुकूमत इस वक्त मुआशी बहाली के एजेंडे पर अमल पैरा है। पीटीआई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिल सकी। एहतजाज प्रैक्टिकली अब मुमकिन नहीं। 29 जुलाई को किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत में बयान दिया था कि पीटीआई को एहतजाज नहीं करने देंगे, हमने इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। जस्टिस अमन रिफत ने रिमार्क्स दिए, खुद को बेबस साबित ना करें, पड़ोस में हमारे दुश्मनों को क्या तासुर मिलेगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से तो निमट लेंगे, अपनों के मामले पर मुश्किल होती है। अदालत ऑर्डर कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। केपी में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फैसले खुद करेंगे, अमन और हक मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। वजीर आला अली अमीन गलापुर का बनू में अमन जलसे से खिताब, कहा शरपसंदों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारे नाम पर लिए डॉलर्स पर तहफुजात हैं, शख्सियात या पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, शहादा से नहीं। इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट समल को इंशाल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। चंद महीनों में हम 18 सिटीज को सेफ सिटी बना देंगे। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के यकीन करें मुश्किल काम है। तो मेरे सर पे एक और ये एडेड प्रेशर भी होता है कि मैंने आप सबको मायूस नहीं करना, मैंने आपका सर झुकने नहीं देना। तो पंजाब ना सिर्फ तरक्की में लीड करा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई खुदा नखास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फौरन आज से वो ऑपरेशनल हुआ है, मैं अभी उसका इफ्तिताह करके आई हूँ। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना मुश्किल काम, मगर आवाम को मायूस नहीं करूंगी। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज बनाने का ऐलान, कहती हैं आवाम की फलाहो बहबूद तरजीह है, चंद माह में 18 शहरों को सेफ सिटी बनाएंगे। मरियम नवाज ने चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोजब, रुबीना शाहीन कौमी असम्बली के लिए नामजद। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्त के लिए दिया गया। पीटीआई ने 67 खवातीन, 11 अकलियती नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। लेस्को बिजली सार्फिन को फिर करंट लगने को तैयार। ओवर बिलिंग के लिए बोगस डिटेक्शन बिल चार्ज करने का प्लान। 30 से 50% शरह पर जाली डिटेक्शन बिल चार्ज करने पर काम शुरू। लाइन लॉसेज और रिकवरी की शरह 100% की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सार्फिन को रिफंड दिया गया था। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, सियालकोट और गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। मानसून बारिश ने हुकूमती दावों के पर्चे उड़ा दिए। लाहौर के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए।
अरबंसपुरा और कच्चा जेल रोड तालाब बन गए। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कजाफी नेशनल और पंजाब स्टेडियम के अतराफ भी पानी जमा। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमू सालाना शरह 20% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 19 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 40 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए खर्च की जाएगी। मुतासरीन अब तक कारजी घरों में मुकीम है। बलोचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों की तातीलात में इजाफा। गर्म इलाके के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। पहले निजी और सरकारी स्कूल 1 अगस्त को खुलने थे। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। मुलजिमा आमना अरूज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिमा को सेशन कोर्ट में पेश किया गया। गजा सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने इसराइली वजीर आजम पर वाजे कर दिया। कैमला हैरिस का गजा में अमवाद पर शदीद तहफुजात का इजहार। कहा, गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का वक्त आ गया। नितन्याहू जंगबंदी के मुआहिदे के लिए इकदाम करें। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के गजा के शुमाल और जनूबी इलाकों में जमीनी और फजाई हमले। खान यूनस में जवालिया पनाह गुजीन कैंप पर भी वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। शेख रिजवान के इलाके पर शेलिंग से खवातीन और बच्चों समेत 4 फलस्तीनी अब्दी नींद सो गए। शहादा की मजमू तादाद 39,175 हो गई। फलस्तीनी दस्ते का पेरिस में शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दर्जनों अफराद ने एथलीट्स का इस्तकबाल किया। फलस्तीन की आजादी के हक में नारे लगाए गए। इसराइली जारहियत में अब तक 300 से ज्यादा फलस्तीनी एथलीट, रेफरीज और स्पोर्ट्स ऑफिशियल शहीद हो चुके, जबकि गजा में खेलों की तमाम सहूलियात तबाह हो चुकी। दुनियाई खेल का सबसे बड़ा मेला सज गया। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। टाइटैनिक फेम गुलुकारा सेलियन डियोन और लेडी गागा ने आवाज का जादू जगाया। 3 लाख तमाशाइयों ने लाइव परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाया। ओलंपिक्स मेला 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहेगा। और मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गुजरात और खारिया में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरियाब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से शहरी बिजली से महरूम।